किशनगंज में कम बारिश होने से किसान परेशान हैं। किसानों ने किसी तरह धान की रोपनी तो कर दी है, लेकिन समय पर बारिश नहीं होने से अब खेतों में लगी धान की फसल मुरझा रही है। खेतों में दरारें पड़ने से किसान और भी चिंतित हैं। मुरझाई धान की फसल को बचाने के लिए किसान अपने घरों की जमा पूंजी लगाकर भाड़े के पंपिंग सेट की मदद से खेतों में पानी छोड़ रहे हैं। किसान बारिश के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं, क्योंकि जैसे तैसे धान की रोपनी तो कर ली, अब फसल को बचाने की फिक्र है। कैसे खेती कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से खेती कर रहे हैं। कर्ज उर्ज लेकर के अभी खेती कर रहे हैं। पानी नहीं होता है टाइम पर, पैसा भी नहीं, बस यही बात, और क्या करेंगे। पानी नहीं हो रहा है? नहीं, पानी नहीं हो रहा है। स्थिति है एकदम सूखा। तो फिर खेती कैसे कर रहे हैं? अब क्या कीजिएगा, इसी तरह से तो करना ही पड़ेगा। डीजल? नहीं, डीजल अभी हम लोग को नहीं मिला। डीजल का सब्सिडी नहीं मिला? नहीं नहीं। और बिजली? बिजली तो है, जगह जगह में है, दूसरे दूसरे का, हम लोग का नहीं है। बिजली मोटर आप लोगों को नहीं है? सब तो फायदा कितना होता होगा? फायदा का नुकसान है, फायदा का भैया नुकसान। कितना उम्मीद से खेती करते हैं हम लोग? हाँ, बहुत उम्मीद से खेती कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद पर पानी फिर आ रहा है। अभी डीजल से पानी पटाना पड़ता है, इसमें तो खर्च सपना से। फायदा कितना होता होगा? फायदा किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। नहीं, फायदा कितना होता होगा डीजल से खेती कीजिएगा, कितना बचत होगा? नुकसान होगा। नुकसान है? नुकसान हुँ? नुकसान होगा। नुकसान तो सरकार से अनुदान वगैरह नहीं मिलता है ना? नहीं, अभी तो नहीं मिला है। तो इस क्षेत्र में स्ट्रेट बोरिंग नहीं है? नहीं है, सब पंप सेट, पंपर सेट। बिजली वगैरह भी नहीं मिला आप लोगों को? नहीं। फायदा कैसे होगा आप लोगों को? अभी के मौसम में नुकसान है। कैसे खेती किए थे, पैसा कैसे लिए थे? पैसा महाजन से मकई उकई बेच के इसी तरह से खेती की है। उम्मीद था जब अच्छा फसल होगा। आप देखिए, अब ऊपर वाला का मार है, जब जल रहा है। किसानों का कहना है कि बारिश नहीं होने की वजह से खेतों में पंप के सहारे सिंचाई करने में काफी लागत आ रही है। ऐसे में लागत अधिक होने के कारण काफी नुकसान की आशंका है। किसानों ने कहा है कि डीजल अनुदान उन्हें नहीं मिल रहा है। किसानों ने मांग की कि सिंचाई के लिए उन्हें बिजली और बिजली संचालित पंप मोटर उपलब्ध करवाई जाए। स्थिति बहुत खराब है, बारिश नहीं होता है, तो डीजल जला कर मैंने क्या मशीन से पानी पटा रहे हैं खेत में। बहुत खराब स्थिति है, बहुत खराब है। इसमें तो खर्च अधिक पड़ रहा है। खर्च अधिक पड़ेगा नहीं तो आसपास स्टेट बोरिंग नहीं है यहाँ आसपास में। मैंने वही अपनी बोरिंग से मैंने क्या कहता है कि पानी पट रहा है। फायदा तो नहीं होता होगा? नहीं, क्या फायदा होगा, पूरा डीजल में चले जा रहा है। और ये सरकार की तरफ से डीजल में अनुदान मिलता है? नहीं, कुछ कहाँ अनुदान मिलता है, कुछ नहीं आज तक मिला है ना। तो क्या मांग क्या है आपका, डीजल अनुदान मिलना चाहिए आप लोगों को? मिलना चाहिए। मैंने अनुदान से क्या कहता है कि मिलता है, कहाँ मिलता नहीं है ना, जो सब मैंने कर्मचारी लोग मैंने मिला जुला के खा के खत्म कर देते। बारिश बहुत कम है सर। तो धान लगाए हैं आप लोग? जी। कितना लगाए? 3 बीघा। 3 बीघा में तो बारिश नहीं होने से फसल की क्या स्थिति है? बहुत ही खराब है। बारिश नहीं होने से तो फसल जल जाएगा? हाँ, जल जाएगा, है ना। तो कोई आपको डीजल वीजल मिलता है अनुदान? नहीं। स्टेट बोर्डिंग है आपके आसपास? नहीं नहीं। तो फिर कैसे? स्टेट बोर्डिंग से इसे पानी पड़ा मशीन से, पंपिंग सेट से। तो इसमें तो खर्चा ज़्यादा पड़ जाता है, उसका अनुदान भी नहीं मिलता है? नहीं, नहीं। सरकार तो देती है, यहाँ दिया जा रहा है कृषि विभाग से। कहाँ हमको, हम लोग को मिलता है? हम लोग को खाली किसान मिलता है 4 महीना पर 2000 रुपया। 2000 रुपया मिलता है जी। डीजल अनुदान नहीं मिल रहा है? नहीं। वहीं किशनगंज के जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि जिले में 100% धान की रोपनी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से मौसम अनुकूल नहीं है, सिंचाई के लिए सरकारी नलकूपों के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। कृषि विभाग के द्वारा डीजल अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन किसानों का आवेदन कम आ रहा है। जिला कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष जिले में आच्छादन के लक्ष्य के विरुद्ध 100% से अधिक की रोपनी हो चुकी है। वहीं जिला सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े के मुताबिक जुलाई माह में जिले में औसत बारिश 613 mm हुई है। अपने यहाँ तो स्थिति वैसी नहीं है, हमारे यहाँ 100% धान की रोपनी भी हो चुकी है। एक दो दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मौसम थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, तो वर्षा नहीं पड़ रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी वर्षा पड़ी भी थी, तो
तो डीजल अनुदान हम लोग दे रहे हैं, कुछ लोगों ने अप्लाई भी किया है, उनको हम लोग आगे परसू भी कर रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ डीजल अनुदान के अब लिए आवेदन देने वालों की संख्या बहुत ही कम है। जब स्थिति आएगी तो हम लोग अनुदान दिलवाएंगे उनको। और हमारे यहाँ पास जो नलकूप हैं, सरकारी नलकूप हैं, वो भी सब अच्छी स्थिति में हैं, वो सभी चालू हैं। तो हो सकता है उनको अब तक नहीं पड़ रही होगी, इसलिए आवेदन थोड़ा हमारे पास कम हुआ है।